होमवर्क इसको ले लो आप लोग। यहाँ पे टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ, राइट अ फ्यू लाइन अबाउट योर सेल्फ। देखो आपको अपने बारे में बोल रहा है, योर सेल्फ क्या करना है, लिखना है। यहाँ पे देखो दो क्या दिया है, यहाँ पे हमको बॉक्सेस है, एक रियल सेल्फ एंड इमेजिनरी पर्सन। ठीक है, आपको लिखना है क्या, आपका नेम, आपका अपियरेंस मतलब कि आप कैसे हो, कैसे दिखते हो, आपकी फैमिली, द प्लेस वेयर यू लिव, योर स्कूल, योर फ्रेंड, नेबर, रिलेटिव, यू, योर लाइक्स, योर डिसलाइक्स, योर हॉबीज, व्हाट यू आर गुड एट, और आप किस में अच्छे हो। देखो सब एकदम इजी लैंग्वेज में लिखा है, आपको बस जैसे जैसे यहाँ पे क्वेश्चन आंसर समझ कर लिखते जाना है, आपका नाम, आपका पेरेंट्स, फैमिली, प्लेस वेयर यू लिव, जहाँ पे आप रहते हो। ठीक है, तो यह सारी चीज़ें आपको रियल सेल्फ में लिखना है। देन आफ्टर यहाँ पे एक और वर्क है, यहाँ पे बोल रहा है नाउ क्रिएट एन इमेजिनरी पर्सन। अभी यहाँ पे तो हम लोग ने अपने बारे में लिखा है, ठीक है, माई सेल्फ पे लिखना था, बट आफ्टर दैट यहाँ पे जो नेक्स्ट वन है उसमें क्या बोल रहा है, इमेजिनरी, दैट मीन्स हमको क्या करना है, इमेज करके एक चीज़ ऐसे बनाना है, परसोना, ठीक है, फॉर योर सेल्फ। हम लोगों को इमेजिनरी परसोना बनाना है, खुद से बनाना है। इट कैन बी क्वाइट डिफरेंट, सॉरी सॉरी सॉरी, ओके वेट सी, इट कैन बी क्वाइट डिफरेंट फॉर योर रियल सेल्फ। देखो ये आपके रियल सेल्फ से थोड़ा क्या होगा, डिफरेंट होगा, और यू मे चूज़ एन फिक्शनल कैरेक्टर, या फिर आप यहाँ पे कोई भी फिक्शनल कैरेक्टर अपने आप चुन सकते हो। जैसे कि यहाँ पे पर्सोना है, तो आप यहाँ पे कोई भी कैरेक्टर क्या कर सकते हो, ले सकते हो, अ कैरेक्टर फ्रॉम अ नॉवल। जैसे कि आप क्या है, कोई भी नॉवल से उठा के एक कैरेक्टर यहाँ पे ले लो, इमेजिन कर लो, या फिर कोई भी स्टोरी आपने कहीं पढ़ी होगी तो उसमें आपको किसी का कैरेक्टर बहुत अच्छा लगा होगा, ठीक है, तो वो सब इसमें लिख लेना है। राइट अ फ्यू लाइन अबाउट दिस इमेजिनरी पर्सन एंड इंट्रोड्यूस योर सेल्फ इन दैट रोल। और आपको ये इमेजिनरी पर्सन, जैसे कि आपको कोई भी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी लगती होगी किसी की, किसी का कैरेक्टर किसी स्टोरी में, ठीक है, तो आपके उस, आपको उसके बारे में जो यहाँ पे चीज़ें है, ठीक है, वो लिखना है। और फिर बाद में क्या करना है, इमेजिनरी पर्सोना एंड इंट्रोड्यूस योर सेल्फ इन दैट रोल, और फिर आपको इसके रोल में फिट करके अपने आप को इंट्रोड्यूस करना है, ठीक है। लेट्स, माई ड्रीम पोजिशन, इज देयर समथिंग दैट यू वुड लाइक टू ओन मोर देन एनीथिंग एल्स, डिस्क्राइब योर ड्रीम पोजिशन विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग पॉइंट्स, यू मे ऐड योर ओन पॉइंट्स टू। ठीक है, देखो जैसे कि हम लोगों को आता है ना, एग्ज़ाम में आता है, तो इसका प्रैक्टिस कर लेना, आपको बहुत ईजी पड़ेगा, ठीक है। आप क्या कर सकते हो, आप हेल्प भी ले सकते हो अगर आपके पास डाइजेस्ट है, अदरवाइज गूगल करके हेल्प भी ले सकते हो, बट फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, खुद ही ट्राई करो। जब आप खुद ट्राई कर लोगे आप फिर मुझे, आपको जैसा लगेगा कि नहीं मैंने अच्छा किया है तो मुझे एज अ होमवर्क में भेजना, लेकिन आपको क्या करना है, खुद से पहले ट्राई करना, देन आफ्टर हेल्प लेना है। माई ड्रीम पोजिशन वॉट इज़ ई, ठीक है, तो आपका जो ड्रीम पोजिशन क्या है पहले आप वो फिक्स करोगे, तो वॉट डू यू, वॉट यू वुड टू डू टू गेट इट, आप उसको करने के लिए क्या क्या करोगे, वेदर यू वुड शेयर इट विथ अदर्स, क्या आप जो भी आपका ड्रीम पोजिशन है वो किसी के साथ में शेयर करोगे, इट्स अपियरेंस कैसा होगा, उसका अपियरेंस, कलर, शेप, साइज एक्सेट्रा, उसका यूज़ क्या होगा, वेयर यू सॉ इट फर्स्ट, आपने उसको पहली बार कब देखा था, जो आपका क्या है, जो आपका ड्रीम पोजिशन है वो, वॉट यू वुड यूज़ इट फॉर, ये सारे चीज़ करके आपको एक एज अ एक छोटा सा क्या बनाना है, पैराग्राफ फॉर्म करना है, ठीक है। लेट स्टार्ट, अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना नेकलेस। बहुत ही अच्छी स्टोरी है, आपको बस क्या करना है, एज अ स्टोरी सुनते जाना है, सुनते जाना है। ओके लेट स्टार्ट पार्ट वन, इसका पार्ट टू है, दैट मीन्स पार्ट वन पार्ट टू है, तो हम लोग देखते हैं कि आज कितना कवर होता है। 4 मिनट ऑलरेडी हो चुके हैं, ठीक है। मैथिल्डा वॉज अ प्रिटी एंड चार्मिंग गर्ल बॉर्न एज इफ बाय एन एरर ऑफ फैट इन टू द फैमिली ऑफ क्लर्क। देखो यहाँ पे फर्स्ट लाइन में बोल रहा है, यहाँ पे एक गर्ल है जिसका नाम क्या था, गर्ल थी, हाँ यहाँ पे वॉज है, मैथिल्डा अ प्रिटी एंड चार्मिंग गर्ल, बहुत ही सुंदर एंड चार्मिंग गर्ल है, बॉर्न एज इफ बाय एन एरर, एरर मतलब गलती से, और फैट दैट मीन्स
नसीब, ठीक है। तो बोल रहा है कि वो गलती से या फिर उसकी किस्मत की गलती से क्या हो गई, वो कहाँ पे बॉर्न हो गई थी, इनटू द फैमिली ऑफ क्लर्क, एक क्लर्क के घर में पैदा हो गई थी, ठीक है। शी हैड नो मीन्स ऑफ बिकमिंग नोज अंडरस्टूड लव्ड और बी वेडेड एन एरिस्टोक्राफ्ट एंड सो शी लेट हरसेल्फ बी मैरिड टू अ माइनर ऑफिशियल एट मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। देखो तो यहाँ पे बोल रहा है शी हैड नो मीन्स ऑफ बिकमिंग नो, उसे कोई भी ज़्यादा चाहता नहीं था, उसको कोई समझता नहीं था, लव्ड और बी एडेड टू एरिस्ट्री कॉस एंड सो ही लेट हर सेल्फ बी मैरिड। तो फिर उसने क्या, फिर उसका क्या हो गया, मैरिज हो गया था। तो उसने डिसाइड किया कि ऑफिस वो किससे मैरिज करेगी, माइनर, माइनर मतलब छोटा एक ऑफिशियल, ऑफिशियल एट द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है उसमें ही सपोज जो जिससे इसने मैरिज किया है वो एक छोटे पद पर क्या करता था, वहाँ पे काम करता था। शी ड्रेस प्लेनली बिकॉज शी हैड नेवर बीन एबल टू अफोर्ड एनीथिंग बेटर। देखो वो कैसा ड्रेस पहनती थी, एकदम प्लेनली मतलब सिंपल। क्यों, बिकॉज शी हैड नेवर बीन एबल टू अफोर्ड एनीथिंग बेटर, क्योंकि उस वो देखो उसकी शादी भी किससे हुई थी, एक माइनर ऑफिशियल से, ठीक है। तो उसके पास में इतने पैसे नहीं था कि वो कोई भी अच्छी चीज़ अफोर्ड कर पाती। शी सफर एंड लेसली फीलिंग शी वॉज एंटाइटल टू ऑल द लग्जरियस ऑफ लाइफ, और वो ऐसे सफ़र कर रही थी और एंडलेसली वो फीलिंग भी करती थी, सोचती थी कि शी वॉज एंटाइटल टू ऑल द लग्जरियस ऑफ लाइफ, कि उसके लाइफ में जो लग्जरियस, लग्जरियस मीन्स जो बहुत ही महंगे और कीमती चीज़ होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लग्जरियस आइटम, ठीक है। तो वो सब उसके नसीब में नहीं है। She suffered because of her shabby, poorly furnished house. और देखो वो बहुत सफ़र करती थी because of her shabby, ठीक है। तो यहाँ पे देखो shabby का मीनिंग क्या है, where it is, She suffered because of her shabby, poorly furnished house. क्योंकि जो उसका घर भी है वो बहुत ही अच्छी कंडीशन में नहीं था, और जो उसका घर है वो कैसा था, शैबी मतलब कि जो बिल्कुल भी अच्छा नहीं दिखता है, ठीक है। सब कुछ यहाँ हुआ, और जो उसके फर्नीचर भी थे घर के बहुत बेकार थे। ऑल दिस थिंग, ये सारी जो सारी चीज़ें हैं, दैट अनदर वुमेन ऑफ हर क्लास वुड नॉट इवन हैव नोटिस्ड, और उसके मतलब कि यहाँ पे एक क्लास जो होता है रहने का हमारा, ठीक है, वो किसी के साथ इसका मैच नहीं होता था। टॉर्मेंटेड हर एंड मेड हर रेसनेस फुल, शी ड्रीम ऑफ अ ग्रैंड पैलेटियल मैंशन विथ वास्ट रूम एंड इन्वाइटिंग स्मॉलर रूम परफ्यूम फॉर आफ्टरनून चैट विथ क्लोज फ्रेंड्स, ठीक है। तो देखें यहाँ पे जो सारी थी, तो ये जो वुमेन, देखो जो अनदर वुमेन मतलब कि जो दूसरी औरतें थी, हर क्लास वुड नॉट इवन हैव नोटिस, तो उसको नोटिस भी नहीं करती थी क्योंकि इसका क्लास बहुत ही लेवर था, ठीक है। टॉर्मेंटेड हर, और उसको टॉर्मेंटेड मतलब कि उससे क्या करते थे, अच्छे से बातें भी नहीं करते थे। एंड मेड हर रेस्टनेसफुल, रेजेंटफुल उसको फील कराते थे। शी ड्रीम अ ग्रैंड, क्योंकि देखो यहाँ पे जो मैथिल्डा है उन्होंने, उसने क्या किया था, ड्रीम किया था, उसने एक सपना देखा था कि उसका घर कैसा होगा, ऑफ अ ग्रैंड पैलेटियल मैंशन, एक बहुत बड़ा क्या होगा, उसका मैंशन होगा, मतलब कि जिसको हम लोग बोलते भव्य महल, ठीक है, या फिर हवेली का उसने एक सपना देखा था। विथ वास्ट रूम, जिसमें वास्ट मतलब कि बड़े बड़े रूम हो, इनवाइटिंग स्मॉलर रूम, और जिसमें छोटे रूम भी इनवाइटेड हो मतलब कि उसमें हो। परफ्यूम फॉर आफ्टरनून चैट विद द क्लोज फ्रेंड, और जहाँ पर वो क्या करती, आफ्टरनून मतलब दोपहर के समय अपने जितने भी उसके करीबी दोस्त थे उनके साथ में एक अच्छा सा क्या करती, चैट करती, ठीक है। येट शी हैड नो रिच ड्रेसेस, लेकिन उसके पास कोई भी क्या था, रिच ड्रेसेस मतलब कि अच्छे ड्रेसेस नहीं था, ठीक है। नो ज्वेल्स, ना कि उसके पास कोई ज्वेलरी थी, नथिंग, एंड दिस वर द ओनली थिंग शी लव्ड, और ये सारी जो चीज़ें उसके नहीं पास थी और इसी सब चीज़ों से वो क्या करती थी, लव, दैट मीन्स उसी से वो बहुत प्यार करती थी। शी वॉन्टेड सो मच टू चार्म, टू बी इन्वाइट, टू बी शॉफ्ट आफ्टर, और उसको ये सब चीज़ों की बहुत ज़्यादा क्या करती थी, वो चाह रखती थी। शी हैड अ रिच फ्रेंड, अ फॉर्मर स्कूलमेट एट द कॉन्वेंट, हु शी अवॉइडेड विजिटिंग बिकॉज आफ्टर वर्ड शी वुड वीप विथ रिग्रेट डिस्पेयर एंड माइजरी। देखो यहाँ पे बोल रहा है कि शी हैड अ रिच फ्रेंड, उसकी एक बहुत ही रिच फ्रेंड थी, फॉर्मर स्कूल फ्रेंड थी उसकी, वो एक जो कॉन्वेंट स्कूल था वहाँ पे,
whom she avoid visiting, और वहाँ पे भी वो visiting करना avoid करती थी because afterward like क्योंकि क्या हुआ था, she would keep with regrets, क्योंकि वो जब जब देखती थी वो बहुत ही रिच थी उसकी मिनट, तो वो अपने आप पे regret करती थी, ठीक है, despair and misery, अपने आप को कंजूस और ये सारी चीज़ें समझती थी. One evening her husband come home with her air of dream, holding a large envelope in his hand. Look, he said, here is something for you. देखो तो एक शाम क्या होता है, जो मेथेल्डा है उसका हस्बैंड आता है और उसके हाथ में कुछ होता है, होल्डिंग किए हुए एक लार्ज एनवलप होता है, ठीक है, और वो फिर बोलता है लुक सी ही सेड, फिर वो बोलता है देखो हियर इज़ समथिंग फॉर यू, यहाँ पे मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ तो है. शी ट्योर ओपन द पेपर एंड ड्रे आउट द कार्ड और विच वॉज प्रिंटेड द वर्ड, फिर वो एनवलप लेती है, एनवलप मतलब क्या होता है, लिफाफा की तरह जो होता है, ठीक है, तो फिर वो क्या करती है, वो लेती है, उसको ओपन करती है, ड्रो आउट द कार्ड, उसमें एक कार्ड होता है वो निकालती है, विच वॉज प्रिंटेड द वर्ड, जिसमें कुछ वर्ड प्रिंटेड हुए होते हैं, मतलब कि उसमें कुछ लिखा होता है. द मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन एंड मिसिज गॉर्जेस रैम्प्यून्यू रिक्वेस्ट टू प्लेजर ऑफ MNME लॉसेल कंपनी एट द मिनिस्ट्री ऑन द इवनिंग ऑफ मंडे जनवरी 28, ठीक है, तो यहाँ पे उन लोगों को क्या मिला था, एक इनविटेशन मिला था जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, ठीक है, और जो गेजर्स रैम्प्यून्यू है उन्होंने रिक्वेस्ट किया था टू प्लेजर ऑफ MNME लॉसेल कंपनी द मिनिस्ट्री ऑन द इवनिंग ऑफ मंडे जनवरी 18 को, उन लोगों को एक इन्विटेशन मिला था जहाँ पे उनको क्या करना था, जाना था, ठीक है, तो यहाँ पे देखो उसको इनविटेशन मिल गया था, ठीक है, जो जहाँ पे वो क्या करता था, वर्क करता था एजुकेशन ऑफ मिनिस्ट्री में, उन लोगों ने किसने, जियोर्स रैम्प्यून्यू रिक्वेस्ट किया था मिस्टर एंड मिसेस किसको, लुइसल को, मतलब कि मैथिल्डा और उसके हस्बैंड को, कि 18 जनवरी को वहाँ पे आए. इंस्टेड ऑफ बीइंग डिलाइटेड, एक मिनट, ठीक है, तो देखो इंस्टेड ऑफ बीइंग डिलाइटेड मतलब कि खुश होने के बजाय वो क्या करती है, एज हर हस्बैंड एंड होप, देखो उसके हस्बैंड को यही उम्मीद थी, उसे होप था कि ये ऐसे ही कुछ करेगी कि ये खुश नहीं होगी देख के इन्विटेशन. सी थ्रो द, देखो थ्रो मतलब कि फेंक दिया था, इन्विटेशन ऑन द टेबल रेस्टफुली एंड मटर्ड, यहाँ पे मटर्ड का मतलब कि उसको ऐसे ही जैसे कि हम क्रम्पिंग कर देते हैं ना, पूरे कागज़ को ऐसे मोड़ देते हैं, ठीक है, तो वैसे ही उसने क्या किया था, उसने वो इन्विटेशन को फेंक दिया, थ्रो कर दिया. वॉट डू यू वॉन्ट मी टू डू विद डैट, बोलती कि तुम क्या चाहते हो कि मैं इसके साथ क्या करूँ, एंड वॉट डू यू एक्सपेक्ट मी टू वियर इफ़ आई गो, बोलती कि, और फिर वो मैथिल्डा बोलती कि और तुम क्या एक्सपेक्ट करते हो कि अगर मैं जाऊँगी भी तो फिर मैं क्या वियर करूँगी, मतलब कि मैं क्या पहनूँगी. आई हैडन थॉट ऑफ दैट, ही स्टैमर्ड, वाई द ड्रेस यू गो, वाई द ड्रेस यू गो टू द थिएटर इन, इट सीम वेरी नाइस टू मी, ठीक है, तो यहाँ पे सॉरी कहाँ पे था, रेस्टफुलनेस मटर, वट डू यू एंड, हाँ यहाँ पे ठीक है, ही हैडन थॉट ऑफ दैट, उसने इसके बारे में सोचा ही नहीं था, ठीक है, ही स्टैमर्ड, और फिर वो पूछता है वाई द ड्रेस यू गो टू द थिएटर इन, इट सीम्स वेरी नाइस, जो तुमने ड्रेस उस थिएटर में पहन कर गई थी, ठीक है, वो वाली ड्रेस तो बहुत ही नाइस दिखती है, ठीक है, और वो मुझे अच्छी भी लगती है, उसके हस्बैंड ने ऐसे बोला. ही स्टॉप्स टर्न डिस्ट्रेस टू सी हिज वाइफ क्राइंग, फिर वो फिर बाद में बोलते बोलते रुक जाता क्योंकि वो देखता है, ठीक है, खड़े खड़े डिस्ट्रेस हो जाता है कि उसकी वाइफ क्या कर रही है, क्राइंग कर रही है. ही शटर्ड, शटर्ड दैट मीन्स कि उसने बोला धीमे आवाज़ में, व्हाट्स द मैटर, लेट्स सी मिथेल्डा, तो बोलते हैं कि क्या हुआ, चलो हम देखते हैं इसका कोई ना कोई तो क्या होगा, मतलब कि इसका सोल्यूशन निकलेगा. हाउ मच वुड अ सूटेबल ड्रेस कॉस्ट, तो उसने बोला कि अगर तुमको एक कोई अच्छा ड्रेस चाहिए जो तुमको सूट हो, ठीक है, तो उसका क्या कॉस्ट होगा, मतलब कि क्या प्राइस होगा. शी थॉट फॉर अ मूवमेंट कंप्यूटिंग द कॉस्ट एंड ऑल्सो वंडरिंग वॉट अमाउंट शी कुड आस्क फॉर विदाउट एन इमीडिएट रिफ्यूज़ल, और फिर वो क्या करती है, शी थॉट फॉर मूवमेंट, थोड़े समय के लिए सोचती है और फिर कंप्यूटिंग द कॉस्ट मतलब कि कैलकुलेट करने लगती है कि कितना पैसा लगेगा, एंड ऑल्सो वंडरिंग वॉट अमाउंट शी कुड आस्क फॉर विदाउट एनी इमीडिएट रिफ्यूज़ल, सोचती है कि मैं अभी बिना इमीडिएट रिफ्यूज़ल मतलब कि बिना मना किए फटाक से वो कितने अमाउंट बोलूँ जो कि मुझे एक अच्छे ड्रेस के लिए चाहिए. एट लास्ट शी आंसर
हेसिटेटली, देखो लास्ट में वो आंसर करती है हेसिटेंटली, दैट मीन्स कि हिचकिचाते हुए थोड़ा आंसर करती है, आई डोंट नो एग्जैक्टली बट आई थिंक इट कुड बी विद द 400 फ्रांस, बोलती कि मुझे एग्जैक्ट तो नहीं पता बट मेरे ख्याल से कितना हो सकता है 400 फ्रांसेस लग जाएंगे मुझे एक अच्छा ड्रेस लेने में. ही टर्न अ लिटिल पेल बिकॉज ही हैड बीन सेविंग द एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ बाय अ गन फॉर हंटिंग समर इन द कंट्री नियर नेट्रेस नेट्री विथ अ फ्यू फ्रेंड्स. देखो तो ये क्या होता है, एक थोड़े समय के लिए ऐसे आश्चर्य में हो जाता है क्योंकि बिकॉज ही हैड बीन सेविंग द एग्जैक्ट अमाउंट, उसको भी उसने क्या किया था, वो उतना ही अमाउंट एग्जैक्टली कितना, यहाँ पे 400 फ्रांस उसने क्या किया था, सेव कर रहा था किस लिए, टू बाय अ गन, उसको एक गन खरीदना था फॉर हंटिंग समर, कि समर के टाइम पे जब वो लोग हंटिंग करने जाए, शिकार करने जाए इन द कंट्री नियर द नेट्रिस, वो नेट्रिस में जो पास में कंट्री थी वहाँ जाना चाहता था अपने कुछ दोस्तों के साथ. हाउ वेयर शी शेड, लेकिन फिर भी ही शेड, वो बोलता है, सोचता है उतना कि मेरे को हंटिंग के लिए जाना था, बट वो सोचता है, बोलता है वेरी वेल आई कैन गिव यू 400 फ्रांस बट ट्राई टू गेट रियली ब्यूटीफुल ड्रेस, बोलता है कि ठीक है मैं तुमको 400 फ्रांस दे दूंगा बट ट्राई टू गेट अ रियली ब्यूटीफुल ड्रेस, लेकिन तुम ट्राई करना कि तुमको एक बहुत ही सुंदर ड्रेस मिल जाए. ठीक है, द डे ऑफ पार्टी ड्रेव नियर, अब जो पार्टी का दिन था वो पास में आ रहा था. द मैडम लुइसल सीम सैड रेसलेस, देखो यहाँ पे जो मैडम लुइसल है ये भी कौन है, मैथाइल्डा ही है. ठीक है, यहाँ पे उसका लुइसल जो है नेम था, वो बहुत ही सैड दिख रही थी, रेस्टलेस दिख रही थी, अनएक्शियस थॉट हर ड्रेस वॉज रेडी, वो ये सब सोच के बहुत ही दुख रही थी क्योंकि उसका ड्रेस भी अब रेडी हो गया था. वन इवनिंग हर हस्बैंड सेड टू हर, व्हाट्स द मैटर, यू हैव बीन एक्टिंग स्ट्रेंज दिस लास्ट 3 डेज, बोलता है कि तो मतलब कि एक शाम को पूछता है कि व्हाट्स द मैटर, कि क्या बात है, क्या हुआ है, यू हैव बीन एक्टिंग स्ट्रेंज दिस लास्ट, तुम पिछले 3 दिनों से बहुत ही अजीब सी लग रही हो, मतलब कि एकदम अजीब स्ट्रेंज बिहेव कर रही हो. शी रिप्लाई, वो रिप्लाई करती है, आई एम अपसेट दैट आई हैव नो ज्वेल्स, बोलती कि मैं बहुत अपसेट हूँ क्योंकि मेरे पास क्या नहीं है, कोई भी ज्वेलरी ज्वेल्स नहीं है, नॉट अ सिंगल स्टोन टू वियर, कोई भी एक सिंगल स्टोन का भी उसके पास क्या नहीं था, ज्वेलरी नहीं था. आई वुड रैदर नॉट गो टू द पार्टी, बोलती कि शायद से मैं पार्टी में नहीं जा पाऊँगी. यू कुड वियर फ्लावर्स ही सेड, दे आर वेरी फैशनेबल एट दिस टाइम ऑफ ईयर, तो देखो यहाँ पर बोल रहा है उसका हस्बैंड कि तुम क्या पहन सकती हो, यू वियर अ फ्लावर्स, तुम तो फ्लावर्स भी पहन सकती हो क्योंकि दे आर वेरी फैशनेबल एट दिस टाइम ऑफ ईयर, अभी तो इस साल में ऐसे बहुत फैशनेबल फ्लावर्स के ज्वेलरी चल रहे हैं. शी वॉज नॉट कन्विंस, लेकिन वो कन्विंस नहीं होती है. ठीक है, द नेक्स्ट डे शी वेंट टू हर फ्रेंड्स हाउस एंड टोल्ड हर फॉर हर डिस्ट्रेस, देखो फिर वह नेक्स्ट डे क्या होती है, अपनी फ्रेंड के घर पे जाती है और उसका जो ये डिस्ट्रेस था जिसके वजह से वो दिखी थी वो सारी बातें उसको बताती है. मैडम फॉरेस्टायर वेंट टू हर मिरर वेड्रॉप, तो देखो उसकी जो फ्रेंड है यहाँ पे उसका नाम है, ठीक है, मैडम फॉरेस्टायर. ठीक है, तो यहाँ पे जो फॉरेस्टायर मैडम है वो जाती है अपने मिरर वार्डरोब के पास, मतलब कि जो शीशे वाला वार्डरोब कबर्ड होता है वहाँ पे जाती है. टुक आउट अ लार्ज बॉक्स, उसमें से एक बड़ा सा बॉक्स निकालती है, ब्रॉट इट बैक, ओपन इट एंड सेड टू द मैडम लुइसल, और फिर वो निकालती है, वो बॉक्स ओपन करती है और फिर जो मैडम लुइसल होती है मतलब मैथिल्डा उसको बुलाती है. चूज़ माई डियर, बोलती है इसमें से तुम चूज़ करो तुम्हें क्या चाहिए. फर्स्ट मैथिल्डा सॉ सम ब्रेसलेट्स, तो जो मैथिल्डा है वो क्या करती है, पहले कुछ ब्रेसलेट्स देखती है, देन अ पियर नेकलेस, उसके बाद में उसको पियर मतलब कि मोतियों का हार दिखता है. शी ट्राइड ऑन द ज्वेलरी इन द मिरर, और फिर वो ट्राई करती है ज्वेलरी अपने मिरर में देख के वहाँ पे. शी केप्ट आस्किंग यू हैव नथिंग एल्स, ठीक है, तो फिर वो उसको पूछती है यू हैव नथिंग एल्स, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन मार्क. ठीक है, Why yes, but I don't know what you like, बोलती कि है मेरे पास लेकिन मुझे नहीं पता कि तुम्हें क्या पसंद आएगा. सडनली सी डिस्कवर, और फिर सडनली क्या होता है, तुरंत तो वो एक चीज़ और डिस्कवर मतलब कि ढूंढ के निकालती है. इन अ ब्लैक सैटिन बॉक्स, एक ब्लैक कलर का सैटिन बॉक्स होता है, उसमें से निकालती है उसकी फ्रेंड क्या, सुपर डायमंड नेकलेस. अब वो एक डायमंड का नेकलेस निकालती है, एंड हर हार्ट बिगेन टू बीट विद अनकंट्रोलेबल डिज़ायर,
और जो यहाँ पे मैथिल्डा है उसका ये डायमंड नेकलेस देने के बाद जो उसका हार्ट है बिगेन टू बीट, मतलब कि बीट करना धक 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 स्टार्ट हो जाता है, एंड अनकंट्रोलेबल डिज़ायर, और उसकी जो इच्छा है वो उसको कंट्रोल नहीं कर पाती है। हर हैंड्स ट्रेम्बल एज शी टूक इट, और जब वो उसको उठाती है डायमंड के नेकलेस को तो उसका हैंड्स कैसा हो रहा होता है, ट्रेम्बल मतलब कि काँप रहा था। शी फैसिनेटेड इट अराउंड हर नेक एंड स्टूड लॉस्ट इट स्टेकली एज शी लुक एट हर सेल्फ, और फिर वो क्या करती है अपने गले के अराउंड में उसको लगा के देखती है और एक ऐसे स्टूड मतलब कि खड़े होके एक ध्यान से ही अपने आप को देख रही थी। देन शी आस्क अनएक्शियसली हेसिटेटिंग, मतलब कि फिर वो अपनी फ्रेंड को हिचकिचाते हुए बोलती है वुड यू लेंड मी दिस जस्ट दिस, बोलती कि क्या तुम मुझे ये दोगे, लेंड मतलब देना, ठीक है, बोल रही कि क्या तुम मुझे ये लेंड करोगी दोगे, जस्ट दिस मुझे सिर्फ यही चाहिए क्या, डायमंड वाला नेकलेस, ठीक है। वाई येस ऑफकोर्स, बोलती कि क्यों नहीं, मैं तो तुमको दे दूँगी, ऑफकोर्स ले लो। शी थ्रो हर आर्म अराउंड हर फ्रेंड्स नेक रेपिट्रेसली देन फिल्ड विथ हर ट्रीजर, और फिर वहाँ पे क्या करती है थ्रू हर आर्म मतलब कि जाती है और फिर उसे गले मिलती है उसके नेक के, यहाँ पे फ्रेंड्स नेक रेपुटेशनली देन फिल्ड विथ हर ट्रेजर द डे ऑफ द पार्टी अराइव्ड। अब देखो उसको नेकलेस तो मिल गया, ड्रेस भी हो गया, ठीक है, अब कौन सा दिन आता है, पार्टी का डे आता है, ठीक है। देखो हम लोग फटाफट इसको एंड करते हैं, वीडियो बहुत ही लेंदी हो रहा है। वेर इट इज़ द डे ऑफ पार्टी अराइव, पार्टी का दिन आ गया था। मैडम लुइसल वॉज अ सक्सेस, और जो मैडम लुइसल थी दैट मीन्स मैथिल्डा वो सक्सेस भी हो गई थी अपनी क्लास में, कि जैसे उसको जाना था वो वैसे जाती थी। शी वॉज प्रिटियर देन ऑल द अदर वुमेन, वहाँ पे जितनी भी वुमेन्स थी उन सबसे ज़्यादा प्रिटियर, प्रिटी कौन दिख रही थी, मिस मैथिल्डा, ठीक है, और एलिगेंट ग्रेशियस स्माइलिंग एंड फुल ऑफ जॉय, मतलब कि उसके चेहरे पे एकदम बोलते हैं ना हैप्पीनेस झलक रही थी, स्माइलिंग थी, ग्रेशियस थी, एलिगेंट थी, ठीक है। ये सारे जो वर्ड्स हैं ना ये क्या है, अगर हमको किसी को प्रीटी का सब सिमिलर वर्ड है, ठीक है। शी डांस वाइल्डली विथ पैशन फॉरगेटिंग एवरीथिंग इन द ट्रीम्यू ऑफ हर ब्यूटी एंड सक्सेस फ्लोटिंग इन द क्लाउड ऑफ हैप्पीनेस, और वो एकदम अच्छे से डांस कर रही थी क्योंकि उसका जो जो पैशन था उसके साथ वो डांस कर रही थी, फॉरगेटिंग एवरीथिंग, वो सब कुछ भुला दी थी कि वो कैसी है क्या है, मतलब कि अपनी गरीबी के बारे में नहीं सोच रही थी, और जो उसका ब्यूटी एंड सक्सेस है कि अपनी सुंदरता और अपनी सफलता पे कि उसके ऊपर वो क्या कर रही थी, फ्लोटिंग इन द क्लाउड ऑफ हैप्पीनेस मतलब कि हैप्पीनेस के बादल में, ठीक है, खुशी के बादलों में वो लहरा रही थी, फ्लोट कर रही थी। मैथिल्डा एंड हर हस्बैंड लेफ्ट अबाउट 4 o'clock, ठीक है, तो फिर वो लोग पार्टी भी हो जाता है, फिर वो लोग कहाँ कब निकलते हैं, लेफ्ट अबाउट 4 o'clock, 4 बजे इन द मॉर्निंग में निकलते हैं। व्हेन दे वर फाइनली इन द स्ट्रीट, और उस समय वो लोग फाइनली कहाँ पे होते हैं, स्ट्रीट पे मतलब कि रोड पे, दे कुड नॉट फाइंड अ कैब, और उनको कैब, कैब मतलब क्या, टैक्सी या कुछ भी हो गया, ठीक है, तो उसको कोई भी कैब नहीं मिल रहा था। दे वॉक डाउन टूवर्ड द सीन टिल दे फाउंड वन, तो वो लोग धीरे धीरे एक जो वहाँ पे सिंह जैसा था मतलब कि जो टनल जैसा होता है, ठीक है, वहाँ से वो लोग गए टिल दे फाउंड वन, जब तक कि उनको कैब नहीं मिला तब तक वो लोग पतली पतली गली से जाते रहे। दे वर ड्रॉप ऑफ एट देयर डोर इन द रियू डिस मार्टर्स एंड सैडली इट वॉज ऑल ओवर फॉर हर, और फिर जब वो लोग पहुँचे, जब उसको ड्रॉप किया गया, ठीक है, ड्रॉप ऑफ देयर डोर, जो अपने घर के डोर के यहाँ पे वो लोग पहुँच जाते हैं, रियू डिस मार्टर्स एंड सैडली इट वॉज ऑल ओवर ऑफ, और यहाँ पे सब कुछ क्या हुआ उसके लिए, ख़त्म हो गया था, ठीक है, क्यों, देखो अभी पता चलेगा क्या हुआ था। इन फ्रंट ऑफ द मिरर शी टूक अ फाइनल लुक एट हरसेल्फ इन हर ग्लोरी, वो बहुत ही खुश थी और उसको अपनी सुंदरता को एक बार फिर से क्या करना था, मिरर में देखना था कि वो फाइनली कैसे दिख रही है अभी, और वो जाती है देखने के लिए। बट सडनली शी स्टर्न्ड अ क्राई, लेकिन सडनली वो क्या शीशे में देखने के बाद रोने लगती है। शी नो लॉन्गर हैड अ नेकलेस राउंड हर नेक, उसके गले में अब तो वो नेकलेस था ही नहीं, ठीक है, मतलब कि शी लॉस्ट हर नेकलेस। वॉट इज़ द मैटर आस्क हर हस्बैंड, उसके हस्बैंड पूछता है कि क्या हुआ। शी रिटर्न टूवर्ड हिम, और फिर वो उसकी तरफ जाती है पैनिक स्ट्रिकन, एकदम पैनिक हो जाती है, टेंशन में आती है, आई हैव मतलब कि देखो जब हम लोग एकदम पैनिक होते तो कैसे धीरे धीरे ऐसे बोलते हैं, बोलती कि आई हैव आई नो लॉन्गर हैव मैडन फॉरेस्टर नेकलेस,
बोलती कि मेरे पास अब वो जो मैं नेकलेस लेके आई थी, ठीक है, किसका, मैडम फॉरेस्टर का, अब वो मेरे पास नहीं है। ही स्टूड अप, और फिर उसका जो हस्बैंड है वो खड़ा हो गया, डिस्ट्रॉक्ट, व्हाट, और वो भी टेंशन में आके बोला, क्या, हाउ, कैसे, दैट्स इम्पॉसिबल, ऐसा तो नहीं हो सकता, क्योंकि देखो वो लोग बहुत ही क्या थे, वो लोग बहुत ही माइनर फैमिली से थे, तो उन लोगों को ये नेकलेस अब उसको कैसे क्या करते, कैसे रिटर्न करते, कैसे पे करते, देखते हैं कि पार्ट टू में क्या होता है। फिलहाल के लिए आप लोग वो ऊपर का होमवर्क कर लेना, एंड दैट्स इट, थैंक यू।